हेलो स्टूडेंट्स, नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं क्लास सेवन्थ का साइंस का चैप्टर है सॉइल। इस चैप्टर में हम सॉइल के बारे में पढ़ेंगे कि मिट्टी किस तरह की होती है, कौन कौन से इसके टाइप्स होते हैं, इनकी फॉर्मेशन की प्रोसेस क्या होती है। द अर्थ हैज़ थ्री लेयर्स। हमारी जो अर्थ है उसमें तीन लेयर होती है, अर्थ क्रस्ट, मेंटले एंड कोर। ये तीनों इनकी लेयर होती है। द अर्थ क्रस्ट इज़ द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। अर्थ की सबसे ऊपरी वाली जो लेयर है उसको अर्थ क्रस्ट कहा जाता है, हुज अपर मोस्ट कवरिंग इज कॉल्ड सॉइल। और उस जो अपर मोस्ट लेयर है उसके जो ऊपर की कवरिंग है उसको कहा जाता है सॉइल। इट्स थिकनेस रेंजेस फ्रॉम अ फ्यू मिलीमीटर्स इन माउंटेनस रीजन टू अ फ्यू मीटर्स इन डेजर्ट्स। माउंटेन्स वगैरह होते हैं जहाँ माउंटेन का जो रीजन होता है, जो एरिया होता है, उसमें इनकी रेंज, इनकी थिकनेस, मतलब इनकी मोटाई की बात कर रहे हैं, वो मिलीमीटर्स में ही होती है, और डेजर्ट एरिया में ये कुछ मीटर्स में होती है। इट इज़ एसेंशियल फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। सॉइल हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमें एग्जिस्ट करने के लिए। द सॉइल नॉट ओनली प्रोवाइड वाटर एंड मिनरल्स टू ग्रो इन प्लांट्स बट ऑल्सो प्रोवाइड दैम एंड कर्स टू स्टैंड इरेक्ट। क्या आपने कभी सोचा है कि मिट्टी क्या क्या काम में आती है? मिट्टी प्लांट्स को ग्रो करवाती है, उसको मिनरल्स प्रोवाइड करवाती है, वाटर प्रोवाइड करवाती है, और उसको एकदम स्टैंड करने के लिए, उसको खड़ा रहने के लिए स्ट्रेंथ देती है। इट इज़ ऑल्सो प्रोवाइड हैबिटेट टू मैनी स्पीसीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। और ये बहुत सारे छोटे छोटे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे लीच, अर्थवर्म्स, रैट्स, इन सबको रहने के लिए ये हैबिटेट क्या होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हों तो उनको ये एरिया भी प्रोवाइड करवाती है। जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म हैं जैसे केंचुआ, अर्थवर्म्स, लीच, रैबिट, एंट्स, बैक्टीरिया, इन सबको ये एरिया भी प्रोवाइड करवाती है। इसलिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है मिट्टी। नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। ये मिट्टी आखिर बनती कैसे है? सॉइल इज़ द थिन लेयर ऑफ मटेरियल कवरिंग द अर्थ सरफेस। ये एक थिन लेयर होती है जिसमें बहुत सारे मटेरियल्स मिक्स होते हैं और ये अर्थ के सरफेस पे होती है। एंड इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द वेदरिंग ऑफ रॉक्स। रॉक्स की वेदरिंग से ये बनती है। वेदरिंग का मतलब होता है जब बड़ी बड़ी जो रॉक्स हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लगती है, चाहे वो वाटर के कारण टूट रही हो, एयर के कारण टूट रही हो, या फिर कोई क्लाइमेट चेंज हो रहा है उस कारण जब चट्टाने टूटती है, तो छोटे छोटे पार्टिकल्स में जब ये चेंज हो जाती है तो उसको बोलते हैं वेदरिंग। तो ये वेदरिंग के रॉक्स, जो वेदरिंग होती है रॉक्स की, जब बड़ी बड़ी चट्टाने टूटती हैं तब भी ये बनती हैं। इट इज़ मेड अप मेनली ऑफ मिनरल पार्टिकल्स। जो मिनरल पार्टिकल्स होते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल्स, एयर, वाटर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म से ये मिलकर बनी होती है। ऑल ऑफ विच इंट्रैक्ट स्लोली एट कॉन्स्टेंटली। Therefore, most living things on land depend on soil for their existence. इसलिए बहुत सारी ऐसे living things हैं, living organism हैं, जो depend रहते हैं life को जीने के लिए मिट्टी पर, क्योंकि मिट्टी उनको water provide करवाती है, minerals, nutrients, ये सब उनको provide करवाती है ताकि वो life को exist कर सके, life में जी सके। Next है role of water in soil formation. जब ये मिट्टी बनती है तो उसमें वाटर का क्या रोल होता है? वाटर प्लेज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स इनटू स्मॉलर पीसेस। जब बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं उन पर वाटर एकदम प्रेशर से पड़ता है तो वो स्मॉल पार्टिकल्स में टूट जाती है। ड्यूरिंग रेन वाटर एंटर्स द क्रैक्स एंड कैविटीज़ ऑफ द रॉक्स। चट्टानों में जब दरारें होती है या कोई ऐसी कैविटी स्पेस होता है तो जब वाटर इनमें गिरता है, जब रेन आती है, बारिश होती है, तो वाटर इनमें गिरता है और ये और ज़्यादा इनमें स्पेस बढ़ता जाता है और ये टूटना स्टार्ट कर देती हैं। ड्यूरिंग विंटर व्हेन द टेम्परेचर फॉल्स, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है या एकदम से डिक्रीज हो जाता है तब भी ये टूटने लगती है। वाटर फ्रीजेस टू आइस एंड एक्सपेंड्स। वाटर इनको फ्रीज भी कर सकता है और एक्सपेंड भी कर सकता है। This expansion exerts on outward force and the rocks breaks into smaller pieces. This is smaller rocks species roll down with the flowing water or wind. और फिर क्या होता है, जब ये टूटने लगती है तो विंड, जब हवा चलती है तेज या पानी गिरता है बहुत स्पीड में, तो ये टूटकर नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो जाती है और रोल होना स्टार्ट हो जाती है, तब ये जाके छोटे छोटे पार्टिकल्स बन जाते हैं जिनको हम सॉइल का नाम देते हैं।
While rolling down, they strike against each other and form very fine particles. These fine particles are carried by rain and river water and on the way get mixed up with organic matter to form soil. और जब ये छोटे छोटे पार्टिकल्स रोल होते हुए नीचे तक आते हैं तो ये एक फाइन पार्टिकल्स में चेंज हो जाती है, मतलब बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स में ये चेंज हो जाते हैं और ये स्मॉल पार्टिकल्स में ऑर्गेनिक मैटर्स भी मिले होते हैं, बहुत सारे जैसे मिनरल्स हैं, न्यूट्रेंट्स हैं, ये सब मिले होते हैं और सॉइल का फॉर्मेशन करते हैं, सॉइल को बनाते हैं। नेक्स्ट है रोल ऑफ प्लांट्स रूट इन सॉइल फॉर्मेशन। प्लांट्स की जो रूट्स होती है, जड़ें होती हैं, उनका क्या रोल होता है सॉइल फॉर्मेशन में। द रूट्स ऑफ द प्लांट्स एंटर द crevices of rocks in search of water. These penetrating roots exert outward pressure on the rocks and breaks it into smaller pieces. This is smaller pieces due to weathering finally changes into soil. जब plants की roots rocks की cavity जो space होता है, खाली खाली जगह जो होती है उस पर force लगाती है, जब ये जड़ें पानी के मतलब पानी का search करती है तो ये नीचे की तरफ फोर्स लगाती है जिससे वो रॉक्स धीरे धीरे टूटने लगती है, छोटे छोटे बहुत ही छोटे पार्टिकल्स में टूटने लगती है और वेदरिंग उनका स्टार्ट हो जाता है और वो सॉइल में चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट है रोल ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का सॉइल फॉर्मेशन में क्या रोल होता है। वेरिएशन इन सॉइल फॉर्मेशन। लार्ज वेरिएशन इन द डे एंड नाइट टेम्परेचर ऑल्सो लीड्स टू वेदरिंग ऑफ रॉक्स। जैसे टेम्परेचर कभी घटता है कभी ज़्यादा हो जाता है तो उससे भी रॉक्स पे असर पड़ता है। जब बहुत ज़्यादा गर्मी होगी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो रॉक्स एकदम हार्ड होने लग जाएंगी और जब फिर टेम्परेचर कम होगा तो वो उनका फ्रीजिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह टेम्परेचर भी रॉक्स पर इफ़ेक्ट डालता है और फिर इनकी वेदरिंग स्टार्ट हो जाती है, वो टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। रॉक्स एक्सपेंड ड्यूरिंग द डे एंड कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग नाइट। ये रॉक्स क्या होती है, जब टेम्परेचर दिन का टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो ये एक्सपेंड हो जाती है, फैल जाती है और जब नाइट होती है तो टेम्परेचर कम होने की वजह से कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है इनमें। दिस प्रोसेस ऑफ अल्टरनेटिव एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन कॉजेज द ब्रेक्स डाउन ऑफ द रॉक्सेस। और इन्हीं कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन के कारण रॉक्स ब्रेक डाउन हो जाती है। द स्मॉलर रॉक्स पीसेज फाइनली चेंज इनटू सॉइल। और जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो सॉइल में चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ केमिकल। केमिकल्स का क्या रोल होता है सॉइल फॉर्मेशन में। रॉक्स कंटेन मैनी मिनरल्स। आपको पता है कि जो चट्टाने होती हैं या रॉक्स होती हैं उनमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, जैसे मैग्नीशियम, जिंक, फॉस्फोरस, आयरन। इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और मॉइस्चर क्या होता है, थोड़ी उसमें नमी हो, दीज मिनरल्स गेट ऑक्साइड। और मॉइस्चर और ऑक्सीजन इन दोनों की प्रेजेंस में वो ऑक्साइड हो सकते हैं और जब ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाएंगे तब ये जो रॉक्स हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना स्टार्ट हो जाएगी और धीरे धीरे सॉइल फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करने लग जाएगी, सॉइल फॉर्म कर देगी। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ बिगर रॉक्स इंटू स्मॉलर पीसेस बाय द एक्शन ऑफ नेचुरल फोर्सेस सच एज वाटर, एयर, प्लांट रूट्स, मैकेनिकल कॉलिजन इज कॉल्ड वेदरिंग। हमने वेदरिंग टर्म यहाँ यूज़ किया है। वेदरिंग क्या होता है, जब बड़े बड़े जो रॉक्स हैं वो छोटे पार्टिकल्स में टूट जाते हैं। कब टूटते हैं, जब उन पर कोई नेचुरल फोर्स डले। नेचुरल फोर्स के रूप में जैसे कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर से वाटर आ रहा हो, बहुत तेज हवा चल रही हो, प्लांट्स उग गए हों उन पे, तो उनके जो रूट्स हैं वो धीरे धीरे ब्रेक डाउन स्टार्ट कर देती है रॉक्स का। रूट्स मैकेनिकल कॉलिजन या फिर कोई मैकेनिकल कॉलिजन आ जाए, उसके थ्रू जब रॉक्स बड़े पार्टिकल्स से छोटे पार्टिकल्स में टूटती हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं वेदरिंग। वेदरिंग ऑफ रॉक्स इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस। और ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होती है, बहुत धीरे धीरे होती है। इट टेक्स हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स टू प्रोड्यूस अ फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ सॉइल। और इससे बहुत सारे हंड्रेड्स ईयर्स में कुछ थोड़े से सेंटीमीटर की सॉइल बनती है, इसलिए इसको कहा गया है कि बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस होती है। नेक्स्ट है सॉइल प्रोफाइल। इस सॉइल के स्ट्रक्चर कैसे होती है, टॉप सॉइल कौन सी होती है, सब सॉइल कौन सी होती है। द सेक्शनल व्यू ऑफ सॉइल इज कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल।
सॉइल का सेक्शनल मतलब स्लाइड टू स्लाइड हम उनको देखते हैं तो उसको बोलते हैं सॉइल प्रोफाइल। द सेक्शन शोज थ्री डिस्टिंक्ट हॉरिजन्स इन द सॉइल। इसमें तीन स्लाइड में इनको तीन साइड होती है इनको, जिनको बोलते हैं टॉप सॉइल, सब सॉइल और बेड रॉक। यहाँ से सॉइल के प्रोफाइल देखिए, जो फर्स्ट नंबर पे है सबसे ऊपर का जो स्लाइड है या फिर सबसे ऊपर वाला पार्ट जो है उसको बोलते हैं अ ओरिजिन, इसमें ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। सेकेंड है द ए हॉरिजिन, ए हॉरिजिन को टॉप सॉइल कहा जाता है। थर्ड है बी हॉरिजिन, बी हॉरिजिन या फिर सब सॉइल कहा जाता है। और सबसे नीचे की जो लेयर होती है उसको बोलते हैं बेड रॉक्स, जिसमें पत्थर वगैरह आते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे टॉप सॉइल यानी कि ए हॉरिजिन के बारे में। इट इज़ द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ सॉइल, ये सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है मिट्टी का। कंसिस्टिंग ऑफ द फाइन अर्थ पार्टिकल्स, और इसमें बहुत ही फाइन पार्टिकल्स होते हैं, ऊपर की तरफ जो पार्टिकल्स होते हैं वो इसी सॉइल या इसी लेयर में आते हैं। विथ ह्यूमस एंड डिकम्पोज्ड मैटर, और जो कुछ डिकम्पोज्ड मैटर है जो डिकम्पोज हो चुके हैं, सड़गल चुके हैं, वो पत्ते जैसे बिखरे हुए रहते हैं ना, पत्ते वगैरह खाद वगैरह, वो सारे इसी टॉप सॉइल में आती हैं। प्लांट्स ग्रोथ टेक्स प्लेस इन द पार्ट ऑफ लेयर, सॉइल की ये लेयर जो है उसमें प्लांट की ग्रोथ होती है। इट ऑल्सो सर्व एज वाटर रिजर्वर, और यहीं पे वाटर रिजर्व होता है मतलब वाटर का संरक्षण होता है, यहाँ पे स्टोर करके रखा जाता है वाटर। दिस लेयर ऑफ द सॉइल इज़ फर्टाइल एंड इज़ रिच इन न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स, और प्लांट्स को जो भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है, वो सारे इसको इसी लेयर से मिलते हैं। टॉप सॉइल में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं और फर्टाइल होते हैं। नेक्स्ट है सब सॉइल यानी बी ओरिजिन। इट इज़ बिलो द टॉप सॉइल, ये टॉप सॉइल के नीचे वाली लेयर होती है। इट कंटेंस स्मॉल स्टोन्स एंड ग्रेवल मिक्सड विद द स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ सॉइल, इसमें कुछ कंकड़ पत्थर होते हैं जो छोटे छोटे होते हैं, वो इसमें सॉइल के साथ मिक्स रहते हैं। इट ऑल्सो सर्व एज वाटर रिजर्वर, और यहाँ भी वाटर रिजर्व रहता है। नेक्स्ट है पेरेंट रॉक सी ओरिजिन या फिर बेड रॉक। इट कंसिस्ट ऑफ पेरेंट रॉक्स एंड इज़ द लोअर मोस्ट लेयर, ये सबसे नीचे वाली लेयर होती है। इट इज़ इन दिस लेयर विच अंडरगोज वेदरिंग इन द स्टार्ट फॉर्मिंग द सॉइल, यहाँ पे क्या होता है जो पत्थर वगैरह होते हैं नीचे चट्टानों में वो टूटना स्टार्ट होता है, उनमें वेदरिंग स्टार्ट होती है, धीरे धीरे वो सॉइल बनना स्टार्ट करते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस रॉक ग्रेटली डिटरमाइन द कंपोजिशन ऑफ द सॉइल एंड द टॉप सॉइल हैज़ द सॉइल फॉर्म्ड एज डिफरेंट इन डिफरेंट रीजन्स, और यहाँ पे क्या होता है अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइप की मिट्टी पाई जाती हैं। नेक्स्ट है सॉइल टीमिंग विथ लाइफ, इस सॉइल पर कौन कौन से जो ऑर्गेनिज्म हैं वो डिपेंड रहते हैं। ड्यूरिंग रेनी सीजन सम एनिमल्स इंसेक्ट्स और ऑर्गेनिज्म स्टार्ट कमिंग आउट ऑफ सॉइल, आपने देखा होगा जैसे रेनी सीजन होता है, बारिश का मौसम होता है, तब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म या फिर इंसेक्ट्स वगैरह मिट्टी से बाहर आना स्टार्ट होते हैं। इट इज़ सो बिकॉज सॉइल प्रोवाइड्स लिविंग प्लेस फॉर मैनी एनिमल्स, ये इसलिए होता है क्योंकि ये जो मिट्टी है वो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को एक एरिया प्रोवाइड करवाती है रहने के लिए। दीज एनिमल्स लिव इनसाइड द हॉल्स और स्पेसेस इनसाइड द सॉइल, और ये जो छोटे छोटे एनिमल्स हैं ऑर्गेनिज्म हैं ये हॉल्स बनाकर या फिर आपने सुना होगा बिल बनाकर रहते हैं, जैसे स्नैक वगैरह है, रैट्स हैं, चूहे हैं। सो सॉइल इज देयर होम, इसलिए मिट्टी ही उनका घर होती है क्योंकि वो उसमें रहते हैं। कॉमन एनिमल्स और ऑर्गेनिज्म इनसाइड द सॉइल आर इंसेक्ट्स, अर्थवर्म्स, एंट्स, स्नैक्स, रैट्स, ये सब क्या है ये मिट्टी के अंदर रहते हैं, जैसे अर्थवर्म, केंचुए। केंचुए आपने सुना होगा कि केंचुए जो है वो मिट्टी में रहते हैं, खाद की तरह काम करते हैं, फसलों को बहुत अच्छा स्ट्रेंथ देते हैं, उनको मिनरल्स प्रोवाइड करवाते हैं। फिर है सम ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी सीन बाय आवर नेट, दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम नेट आई मतलब खुली आंखों से नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इन ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो बहुत छोटे होते हैं। अर्थवर्म्स आर कॉल्ड फार्मर्स फ्रेंड, फार्मर्स फ्रेंड होता है अर्थवर्म को कहा जाता है। एज दे कीपिंग मिक्सिंग द सॉइल इन विच दे लिव, वो एकदम मिक्स हो जाता है जिस भी मिट्टी में वो रहता है, और ये फसलों के लिए भी बहुत अच्छा होता है, इसलिए इसको फार्मर्स फ्रेंड कहा जाता है।
बहुत सारे एनिमल्स होते हैं मैंने बताया जो मिट्टी में रहते हैं, जैसे बैक्टीरिया, फ्लाइज, वर्म्स, वुडीज। बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं, इनको हम डायरेक्ट आंखों से नहीं देख सकते, इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ह्यूमस। इट इज़ द डिकम्पोज प्रोडक्ट फॉर्म फ्रॉम डिकेइंग दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोडक्ट्स। ये सबसे ऊपरी लेयर होती है मिट्टी की। यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे जैसे खाद हैं या फिर जो जैविक एनिमल्स हैं, इट इज़ द डिकम्पोज प्रोडक्ट। एक डिकम्पोज प्रोडक्ट होता है खाद की तरह, खाद बोल सकते हो आप इसको। इसमें क्या होता है, जो डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल्स हैं, डिकेइंग मतलब जो सड़ गल चुके हैं, ऐसे प्लांट्स, पत्तियाँ, एनिमल, जो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, वो सब मिलकर एक खाद बनाते हैं, उसको बोलते हैं ह्यूमस। इट गिव्स स्पंजी नेचर टू द सॉइल, और ये सॉइल को स्पंजी नेचर देता है, स्पंज की तरह बिहेव करती है सॉइल। इट इज़ प्रोड्यूस बाय अर्थवर्म्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और ये किस कारण होता है, अर्थवर्म्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण। इट अब्जॉर्व वाटर, ये वाटर को अब्जॉर्व करते हैं, हैंस द सॉइल बिकम सॉफ्ट, इसलिए सॉइल मिट्टी जो है वो सॉफ्ट हो जाती है, पाउडर्स हो जाती है, उसमें छोटे छोटे से मतलब स्पेस रहते हैं, एंड न्यूट्रिएंट्स रिच, और उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स आते हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, आयरन, ये सब क्या है, न्यूट्रिएंट्स हैं। दिस लेयर ऑफ सॉइल इज होम फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इंसेक्ट, बीटल्स, रोडेंट्स एटसेट्रा। द रूट्स ऑफ हर्ब्स आर एंटायरली इन दिस रीजन। ये जो ह्यूमस लेयर है, ये बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का घर होती है, और जो हर्ब्स होते हैं, जो सॉफ्ट प्लांट्स होते हैं, वो यहीं रहते हैं ह्यूमस में, ह्यूमस में ही वो ग्रो करते हैं, क्योंकि यहाँ पे डेडली पार्टिकल्स होते हैं, डेडली एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास टाइप्स ऑफ सॉइल। आखिर मिट्टी कितने टाइप की होती है, तो इनके अलग अलग बेस हैं कि उस बेस पे इनको इतने पार्ट्स में डिवाइड किया गया और इस बेस पे इनको इतने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सॉइल इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस मटेरियल्स एंड सॉइल पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज। ये बहुत सारे सॉइल पार्टिकल्स जो अलग अलग शेप के हैं या फिर बहुत सारे मटेरियल्स का मिक्सचर होती है। वी कैन फील द साइज ऑफ सॉइल पार्टिकल्स व्हेन वी रब्ड बिटवीन आवर थंब एंड फिंगर्स। हम मिट्टी के साइज़ को कैसे पता लगा सकते हैं, जब हम इनको अपनी अंगुलियों पर रखते हैं और इनको रब करते हैं, रगड़ते हैं, तब हमें पता चलता है कि बहुत छोटे छोटे इनकी साइज़ होती है। और जब ये साइज़ क्या है, ये इनका टेक्सचर है कि इस टाइप की ये सॉइल होती है, इनका टेक्सचर मतलब इनकी साइज़ को बताता है ये टेक्सचर। विच कैन बी फेल्ट डिपेंडिंग अपॉन द प्रोपोर्शन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉइल। किसी भी मिट्टी में सॉइल के कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट है, उनका जो रेशियो होता है, उसके बेस पर इनको थ्री पार्ट्स में क्लासिफाइड किया है, सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल और लॉमी सॉइल। नेक्स्ट है सैंडी सॉइल। सैंड मतलब क्या होता है, रेत। व्हेन द सॉइल हैज़ ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ बिग पार्टिकल्स, इन अदर वर्ड इट हैज़ अ लॉट ऑफ सैंड, इट इज़ कॉल्ड सैंडी सॉइल। ऐसी सॉइल जिसमें बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स हों, किसके, सॉइल के, और या फिर आप ऐसे कह सकते हो जिसमें सैंड की क्वांटिटी ज़्यादा हो, उसको बोलते हैं सैंडी सॉइल। नेक्स्ट है क्ले सॉइल। आपने पढ़ा होगा बहुत बार कि क्ले, क्ले क्या होता है, जिसको आप एकदम बहुत सॉफ्ट होती है, जिसे आप अलग अलग शेप बनाते हो, वैसे ही ये मिट्टी होती है। इट इज़ द प्रोपोर्शन ऑफ द पार्टिकल्स इज रिलेटिवली हायर, इट इज़ कॉल्ड क्ले। इट हैज़ मोर ऑफ क्ले पार्टिकल्स, इसमें क्ले पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ये पानी को बहुत ज़्यादा अब्जॉर्व करती है, और जैसे जिस एरिया में बहुत कम बारिश होती है, तो ये क्या होता है, कम जब पानी कम हो जाता है, रिक्वायरमेंट कम हो जाती है उसकी, तो ये सिकुड़ने लगती है और फटने लगती है, तो इसको पानी की ज़रूरत होती है, इसलिए इसको क्ले सॉइल कहा जाता है। बहुत सारे लोग इससे अलग अलग शेप के बर्तन वगैरह भी बनाते हैं। नेक्स्ट है लॉमी सॉइल। इन सम सॉइल द अमाउंट ऑफ लार्ज एंड फाइन पार्टिकल्स इज ऑलमोस्ट द सेम, सच सॉइल इज कॉल्ड लॉमी सॉइल। ये एक ऐसी सॉइल होती है जिसमें सॉइल के पार्टिकल्स और फाइन पार्टिकल्स दोनों ही सेम होते हैं, इसको बोलते हैं लॉमी सॉइल। ऑल द सॉइल्स वेरी इन देयर कलर बिकॉज ऑफ द सॉल्ट्स दे कंटेन। ये सॉइल अलग अलग कलर में होती है क्योंकि जिस सॉल्ट को वो अब्जॉर्व करती है, उसी के जैसा उसका कलर आ जाता है। एंड ऑल्सो ड्यू टू द एक्शन ऑफ एयर ऑन द सॉइल पार्टिकल्स मेकिंग देम रेड, ब्लैक, ग्रे। और
जो एयर का एक्शन होता है जब हवा बहुत तेज चलती है तो उससे भी इन सॉइल पार्टिकल्स पर इफेक्ट डालता है और वो रेड ब्लैक और ग्रे कलर में अलग अलग तरह से डिवाइड होती हैं। द सॉइल फॉर्म एट द प्लेस इज ट्रांसफर टू अदर प्लेस बाय द एक्शन ऑफ ब्लोइंग विंड और ब्लोइंग वाटर। जब बहुत तेज हवा चलती है या बारिश होती है तो ये सॉइल के पार्टिकल्स एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंच जाते हैं, इसलिए इनको ट्रांसपोर्टेड सॉइल भी कहा जाता है। द सॉइल लेफ्ट एट द साइड ऑफ इट्स फॉर्मेशन इज कॉल्ड रेजिडुअल सॉइल। द सॉइल फाउंड इन द माउंटेन्स इंक्लाइंड सरफेस और हिल्स ऑफ माउंटेन्स इज कॉल्ड माउंटेनस सॉइल। ऐसे अलग अलग नाम दिए गए हैं, जो माउंटेन पर पाई जाती है उनको माउंटेनस सॉइल, जो डेजर्ट एरिया में पाई जाती है उनको डेजर्ट सॉइल। तो इस तरह से इनको क्लासिफाई किया गया है, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, लेटराइट सॉइल, एल्यूवियल सॉइल और कॉल्यूवियल सॉइल में। द रेजिडुअल सॉइल इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल एंड लेटराइट सॉइल। इनको वापस से क्लासिफाई किया गया है रेड सॉइल में, ब्लैक सॉइल में और लेटराइट सॉइल में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेड सॉइल के बारे में। दिस सॉइल इज रेड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड। इस सॉइल का कलर रेड होता है क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड का क्वांटिटी होती है, आयरन ऑक्साइड की प्रेजेंस होती है। दिस सॉइल इज रिच इन पोटाश बट पुअर इन ह्यूमस एंड अदर न्यूट्रेंट्स मिनरल्स सच एज फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम। इस सॉइल में पोटाश होता है, आयरन होता है, लेकिन इसमें ह्यूमस नहीं होते, न्यूट्रेंट्स नहीं होते, मिनरल्स नहीं होते, जैसे फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, ये कुछ भी नहीं पाया जाता इसमें। इट इज़ कॉमनली फाउंड इन इंडियन पेनिनसुलर रीजन ऑफ साउथर्न कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। ये साउथ साइड में, कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में पाई जाती है। इसमें आयरन ऑक्साइड होता है इसलिए इसका कलर रेड होता है। नेक्स्ट है हमारे पास ब्लैक सॉइल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक कॉटन सॉइल। इसको ब्लैक कॉटन सॉइल कहा जाता है क्योंकि कॉटन के जो क्रॉप्स होते हैं, कपास के जो फसलें होती है, उसके लिए सुइटेबल होती है। इट हैज़ बीन फॉर्म्ड फ्रॉम द लावा ऑफ द वॉल्केनिक इरप्शंस एंड ऐश बेड। इट इज़ रिच इन मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड आयरन। ये इसमें बहुत ज़्यादा मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और आयरन पाया जाता है, बट इज़ पुअर इन फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन। लेकिन फॉस्फोरस और नाइट्रोजन बहुत ही लेस अमाउंट में या फिर बहुत ही रेयर केस में पाए जाते हैं। इन इंडिया इट इज़ फाउंड इन द रीजन ऑफ साउथर्न हरियाणा, ये हरियाणा साइड में, साउथ वेस्ट उत्तर प्रदेश में और ईस्टर्न राजस्थान में और गुजरात में पाई जाती है। और ये कपास की फसलों के लिए अच्छी होती है इसलिए इसको कॉटन सॉइल भी कहते हैं। थर्ड है लेटराइट सॉइल। इट इज़ रेड इन कलर बीइंग कंपोज्ड ऑफ द हाइड्रेट ऑक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम एंड आयरन। इसमें एल्यूमिनियम और आयरन के हाइड्रेट ऑक्साइड होते हैं इसलिए इसका कलर इस तरह का होता है। इट इज़ पुअर इन ह्यूमस कंटेंट एंड इज़ स्लाइटली एसिडिक इन केमिकल नेचर। ये एसिडिक नेचर की होती है और इसमें ह्यूमस नहीं होता है या बहुत ही कम होता है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रिक्स। ब्रिक्स क्या होती है? ईंटें। ये ईंटों को बनाने में यूज़ लिया जाता है। यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स। बिल्डिंग्स बनाने में भी इस मिट्टी का यूज़ किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो गुड फॉर कल्टिवेशन ऑफ कॉफ़ी एंड टी। कॉफ़ी और टी जब इनकी क्रॉप्स उगाई जाती है तो उसमें भी ये लेटराइट सॉइल बहुत ही यूज़फुल होती है। इट इज़ फाउंड इन अबंडेंस इन ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ इंडिया सच एज वेस्टर्न घाट एंड पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा। ये वेस्टर्न घाट में, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में पाई जाती है। द ट्रांसपोर्टेड सॉइल हैव ऑल्सो बीन क्लासिफाइड एज एल्यूवियल सॉइल एंड कॉल्यूवियल सॉइल। आगे दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, एल्यूवियल सॉइल और कॉल्यूवियल सॉइल में। तो फर्स्ट है एल्यूवियल सॉइल। दिस सॉइल इज लॉमी इन टेक्सचर बीइंग कंपोज्ड ऑफ द मिक्सचर ऑफ क्ले, स्लेट एंड सैंड। ये टेक्सचर में लॉमी सॉइल जो हमने पढ़ा था उसी की जैसी होती है, लेकिन इसमें क्या क्या मिक्स होता है? इसमें क्ले मिक्स होती है, स्लेट, छोटे छोटे पत्थर, सैंड, रेत, ये सब इसमें मिक्स होती है। इट इज़ वेरी फर्टाइल सॉइल बीइंग डिपॉजिटेड बाय द फ्लोइंग रिवर्स। जो बहती हुई नदियाँ होती हैं इसमें ये चिकनी, मतलब बहुत ही इसका सरफेस बहुत चिकना होता है, इस टाइप की सॉइल होती है, इसमें फर्टाइल होते हैं। और आगे दे रखा है द इंडोजेनेटिक एल्यूवियल सॉइल इज़ द प्लेन्स ऑफ
हरियाणा, हरियाणा साइड में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में ये अच्छी होती है। ये जो दालें वगैरह हैं, शुगर कैन है, इन सब की क्रॉप्स के लिए बहुत ही गुड होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं। दी सॉइल्स हैव हाई कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, इनमें ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, मॉइस्चर होता है, जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, इसलिए इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है अल्यूवियल सॉइल। The soil that is transported in the land slider or mud floss under the force of gravity, जब फोर्स लगता है तो ये नीचे की साइड लुढ़कने लगते हैं, रोल डाउन हो जाते हैं लैंड स्लाइडर या फिर मड फ्लोस के द्वारा, तो इस टाइप के सॉइल को बोलते हैं कॉल्यूवियल सॉइल। ये चट्टानों से टूट कर बनती हैं। इट इज़ पुअर इन द ह्यूमस एंड मिनरल न्यूट्रेंट्स। इसमें ना तो ह्यूमस होता है, ना कोई डिकम्पोज्ड एनिमल्स या प्लांट्स होते हैं, और ना ही इसमें किसी तरह के मिनरल्स और न्यूट्रेंट्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट है सैंडी सॉइल। द सॉइल इज कंप्रेस मेनली फॉर सैंड पार्टिकल्स। इसमें सैंड पार्टिकल्स होते हैं। इट इज़ फाउंड इन द डेजर्ट एरिया, रेगिस्तान वगैरह में ये पाई जाती है। वेयर इट इज़ ट्रांसपोर्टेड बाय विंड्स, और वहाँ पे क्या होती है, रेगिस्तान वगैरह में बहुत तेज़ हवा चलती है, तो ये हवा के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट होती रहती है। द ज़ायरोफाइटिक प्लांट्स, ज़ायरोफाइटिक प्लांट्स वो होते हैं जो रेगिस्तान वगैरह में पाए जाते हैं। वहाँ की ये जो सैंडी सॉइल है इस प्रकार की होती है कि इसमें वाटर की क्वांटिटी बहुत कम होती है, पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं होती, उसमें भी आराम से पौधे उग जाते हैं, तो इस टाइप के प्लांट्स को कहा जाता है ज़ायरोफाइटिक प्लांट्स। जैसे ज़ायरोफाइटिक प्लांट्स में एक नाम आता है ऑपुंटिया, ये एक ऐसा प्लांट होता है जो डेजर्ट एरिया में उगता है, इसके लिए भी सैंडी सॉइल बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है। एक्ट एज विंड ब्रेक्स एंड ब्लिंडर्स ऑफ द सैंडी सॉइल टू रिड्यूस इट ट्रांसफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और ये एक ऐसा प्लांट होता है जो सैंडी सॉइल को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट होने से बचाता है, ये विंड ब्रेकर की तरह काम करता है। आज की क्लास में हमने सॉइल के बारे में पढ़ा, टाइप्स ऑफ सॉइल पढ़े, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल पढ़े। नेक्स्ट क्लास में हम आगे की बात करेंगे कि सॉइल कौन कौन से एरिया में किस किस तरह की पाई जाती है, मॉइस्चर सॉइल क्या होती है, और मतलब वाटर की रेट क्या होती है सॉइल में, इस तरह की टॉपिक्स पर हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।